सांपों के जहर की तस्करी के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ की गई। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी का वीडियो भी सामने आया है। दोनों आरोपी पुलिस कर्मियों के सुरक्षा घेरे में है। दोनों ने मीडिया को एल्विश से अपने रिश्ते के बारे में बताया। एक आरोपी से पूछा गया कि तो उसने बताया कि मेरा टेंट का काम है। वहीं रेव पार्टियों में सांप और उसके जहर की तस्करी के केस में यूट्यूबर एल्विश यादव की गिरफ्तारी हो चुकी है। अदालत ने एल्विश को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब इस मामले में नोएडा पुलिस ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कई और लोगों से भी पूछताछ की जा सकती है। आइए जानते हैं कि और क्या कहा दोनों आरोपियों ने। सांप और उसके जहर की तस्करी के मामले में नोएडा पुलिस ने बुधवार को दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। ईश्वर और विनय नाम के दो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक इनका एल्विश यादव और पहले गिरफ्तार किए गए पांच आरोपियों से कनेक्शन है। एल्विश यादव की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है। नोएडा पुलिस कई और लोगों से भी पूछताछ कर सकती है। मामले में अभी तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तार किए गए लोगों पर दिल्ली NCR और हरियाणा के कई फार्म हाउसेस पर आयोजित होने वाली रेव पार्टियों में सांप और उसके जहर की तस्करी में शामिल होने का है। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद इस प्रकरण में एल्विश यादव समेत गिरफ्तार होने वाले आरोपितों की संख्या 8 हो गई है। हालांकि अभी यह देखना होगा कि ये दोनों लोग कहां के रहने वाले हैं, क्या काम करते हैं, इनकी इस प्रकरण में क्या भूमिका या संलिप्तता थी। आपको बता दे कि पिछले साल 3 नवंबर को एल्विश यादव और 5 अन्य पर नोएडा में पार्टी मनाने वालों को सांप के जहर की आपूर्ति करने के आरोप में सेक्टर 49 पुलिस स्टेशन में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 120B आपराधिक साजिश के तहत मामला दर्ज किया गया। नोएडा पुलिस ने रविवार को मामले में पूछताछ के लिए एल्विश यादव को बुलाया था। पूछताछ में एल्विश कई सवालों का जवाब नहीं दे पाए और पुलिस को एल्विश के खिलाफ कई सबूत भी मिले, जिसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। सूरजपुर कोर्ट ने एल्विश को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल पिछले साल 3 नवंबर को पुलिस ने नोएडा सेक्टर 51 स्थित एक बैंक्वेट हॉल से छापेमारी कर 5 कोबरा समेत 9 सांपों को बचाया था। एल्विश यादव ने इस हॉल में चल रही पार्टी में सांपों का जहर सप्लाई किया था। फॉरेंसिक टीम ने इसकी पुष्टि की थी। पुलिस ने एल्विश और 6 अन्य लोगों के खिलाफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और IPC की धारा 129A के तहत केस दर्ज किया था। पहले भी एल्विश से पूछताछ की गई थी, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई थी। 3 नवंबर को बरामद किए गए सांपों में वेनम ग्लैंड्स नहीं थी, जिनमें जहर होता है। पुलिस को आरोपियों के पास से 20 मिलीलीटर सांप का जहर भी मिला था। पीपल फॉर एनिमल्स ने सांप के जहर वाली रेव पार्टी का खुलासा किया था। वहीं नोएडा पुलिस के अधिकारी ने बताया कि एल्विश यादव पर दिल्ली NCR में पार्टियों में मनोरंजन के लिए सांप का जहर उपलब्ध कराने के आरोप में 5 अन्य लोगों के साथ मामला दर्ज किया गया था। इस संबंध में एक पशु कल्याण कार्यकर्ता ने शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने कई दिनों की जांच के बाद एल्विश यादव को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं उसके साथ ही दो और आरोपी ईश्वर और विनय को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की जा रही है। अतिरिक्त DCP शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया, जिस मामले में कुछ दिनों पहले एल्विश यादव को गिरफ्तार किया गया था, उसी मामले में आज सुबह दो अन्य लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनका नाम ईश्वर और विनय है। ईश्वर राहुल सपेरा से लगातार बात करता रहता था और उसका अपना बैंक्वेट हॉल है, जहां पर वो सांप बुलाता था और सांप का जहर बनाता था। विनय ईश्वर यादव का खास दोस्त है। ईश्वर और विनय विष का आदान प्रदान करने में मदद करते थे। दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बाकी आपका इस खबर पर क्या विचार है, हमें कमेंट में बताएं और वार्ता 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।